वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? यकीनन अच्छे और हेल्दी होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपको देने जा रही हूँ वो मिक्स सब्जियों की है, जो मैं अपने स्टाइल से आप सबको बनाना सिखाऊंगी और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं। इसमें मैं जो सब्जियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेरे पसंद के ऊपर है, आप जो भी सब्ज़ी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो जो सब्ज़ी डालूँगी उसमें फूल गोभी, लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे, गाजर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये प्याज देखें, इस पर 2 मीडियम दरमियानी साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए हैं और हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट भी लिया है, तो ये टोटल 2 कप के बराबर या 2 मीडियम प्याज के बराबर है ये प्याज। टमाटर 2 मीडियम चॉप कटे हुए, इसमें मैं मटर डालूंगी। इसके अलावा ये हरा प्याज का जो ग्रीन पार्ट सब हिस्सा है ये मैंने थोड़े से लिए। इसमें आलू जाएगा, ये तकरीबन बड़ा एक मैंने लिया था आलू, इसको मैंने चॉप किया क्यूब में काटे। इसके अलावा शिमला मिर्च और हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करते हुए ये बनाएंगे। और बाकी इसमें जो मसाले डाले जाएंगे उसकी तफसील कुछ यूँ हैं। मसालों में जो मैं स्पाइस डालूंगी, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसके अलावा नमक वो ऑप्शनल है, आप अपने ऊपर टेस्ट के हिसाब से इसे इस्तेमाल करेंगे। हल्दी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा हम लोग प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे 1/2 टीस्पून। इसमें मैं दही का इस्तेमाल भी करूँगी 1 टेबल स्पून। कलौंजी है तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मैंने एक चिकन क्यूब लेकर इसको हाफ़ किया है, यानी हाफ़ चिकन क्यूब भी इसके अंदर जाएगा। और तेल का इस्तेमाल आपके ऊपर है, लेकिन मैंने 1/2 कप तकरीबन लिया है। और ये जौ का दलिया है, ये आप देख सकते हैं हर घर में होता है, जो हम बच्चों को खिलाते हैं, जो आजकल बच्चे नहीं खाते। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, हमने एक पैन लिया है। वैसे तो सब्जियों में कोई भी सब्ज़ी बॉयल नहीं होती है, लेकिन मैं फूल गोभी को उसको हल्का सा बॉयल दूंगी, इस वजह से कि आपको पता है फूल गोभी की अपनी एक स्मेल होती है जो अक्सर घरों में पसंद नहीं की जाती है। ये मेरे केटल में पानी ऑलरेडी गर्म कर दिया था, मैं थोड़े से पानी में ज़रा सा हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ज़रा सा आप समझे पिंच नमक डाल के फिर 1 मिनट के लिए सिर्फ गोभी को, फूल गोभी को उबालूंगी। सिर्फ हम इसको 1 मिनट उबालेंगे, इसके बाद फिर हम सब्जी पकाना स्टार्ट करेंगे। तो चलें हम अब इसको एक बॉयल देते हैं। मैंने गोभी को तकरीबन 1 मिनट के लिए उबाल के इसको छान लिया है और इसको किसी कटोरे में रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। मैंने तकरीबन 1/2 कप तेल लिया है, आप तेल ज़्यादा भी ले सकती हैं, कम भी ले सकती हैं, या आपके ऊपर जैसा डिपेंड करते हैं जो आपको अच्छा लगे। तेल डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है इसको डालेंगे। हाफ कप ऑयल में, तेल में तकरीबन 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी। इसमें मेरा हरी मिर्च, ये बड़ी हरी मिर्च है तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, आप सबको पता है, तो चंद दाने या चंद पीस आप इसमें इस पॉइंट में, ताकि ना हरी मिर्च जब फ्राई होगा तो प्याज के साथ उसकी खुशबू आपको खुद फील होगी कि खुशबू कैसी है। ये मैं फिर बता दूँ, इसमें वाइट प्याज के अलावा हरे प्याज का मेरा जो वाइट पार्ट होता वो भी मैंने इसमें तकरीबन आप समझ रहे 2 छोटी छोटी घटियां डलियाँ डाली हैं, तो ये 2 मीडियम प्याज तकरीबन, क्यों आपको तो प्याज भी आप ऐसे समझ रहे सब्ज़ी ही है, तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज ज़्यादा इस्तेमाल की है। आपके ऊपर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें कम प्याज लें वो आपके ऊपर है, जो आपके घर में खाई जाती है। तो मेरे तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब इस पॉइंट में जाके हम ज़रा सा नमक, ये टोटल 1.5 टीस्पून है जो मेरी सब्ज़ी के लिए तकरीबन मुकम्मल है, तो मैं ज़रा ज़रा हर पॉइंट में यूज़ करती जाऊँगी। तो अभी ज़रा सा डालते हैं और फिर प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। तो चलो हम अब प्याज को थोड़ा ब्राउन करते हैं। मेरे प्याज देखे हल्के ब्राउन हो गए। सब्ज़ी में प्याज को हम ज़्यादा वो नहीं करते ब्राउन, आप चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन आपको पता है प्याज भी एक सब्ज़ी के तौर पर यूज़ किया जाता है। अभी ये लहसुन अदरक मैंने वैसे थोड़े ज़्यादा लिए, लेकिन आप 2 टेबल स्पून के करीब डालिएगा, वो ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है।
अच्छा, और दूसरी ज़रूरी बात, सब्ज़ी में कभी भी लहसुन अदरक का पेस्ट मत इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा खुरदरा आप देख रहे हैं, आपको फील हो रहा होगा कि लहसुन अदरक के टुकड़े हैं, तो फिर आप इस पॉइंट में जब लाइट ब्राउन हो जाए प्याज तो लहसुन अदरक डाल दें और इसको फिर थोड़ा भूनें। फिर मैं आपको बता दी भूनने के बाद क्या करना है। हमने लहसुन अदरक को भून लिया है और इसके बाद ये देखिए, मैंने आपको गोभी दिखाई थी, पिंच नमक और पिंच या 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट बॉयल किया ये फूल गोभी को। अब इसमें हम फूल गोभी डालते हैं, गाजर। अच्छा, मटर आप तो कम भी ले सकते हैं, हमारे घर में मटर शौक से खाए जाते हैं। मैंने मटर तकरीबन 1 कप के बराबर लिया है और इसके अलावा इसमें आलू हम बाद में डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा नमक, इस स्टेज में थोड़ा नमक और डाल के इसको तेज़ तेज़ आंच पर भूनेंगे। चलिए इसे थोड़ा भूनते हैं। हमने तीनों सब्जियों को तकरीबन तकरीबन 3 से 4 मिनट तेज़ आंच में। अच्छा, कुछ लोग सब्ज़ी थोड़ा सा इस स्टाइल में खाई जाती है बिल्कुल गल जाए, लेकिन अगर खड़ी सब्ज़ी आप पसंद करते, क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ियाँ ज़्यादा गली हुई कंप्लीट होती है, लेकिन ज़्यादा यानी कि आप ये समझ लो ज़्यादा मिक्स सब्ज़ी नहीं होती, तो इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट को तेज़ आँच में भूना है। इसी स्टेज में जाके आप इस पॉइंट में जाके आप 1 टेबल स्पून इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा खानों में हल्दी के इस्तेमाल मेरे ख्याल में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है और इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल फिर करूँगी और हम इसको तेज़ आँच पर फिर भूनेंगे एक मरतबा। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन दही डाल के मसाले डाल के इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच में इसको भूना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये जौ का दलिया इसको डालेंगे। आप जौ के दलिया बढ़ते हो बच्चों को और बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को रोकता है बढ़ने से बॉडी में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें बेहतरीन बेनिफिट से वो वेट लूज़ करता है, और इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह या दूसरी बेनिफिट्स में बीमारियों को रोकने के लिए मददगार साबित होता है। तो अपने हर खाने में कोशिश करें 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून आप चिकन में, हर सालन में यानी सब्जी में आप डाला ज़रूर करें। 1 टेबल स्पून के बराबर हम लोगों ने जौ का दलिया डाला और इसी पॉइंट में जाके आप इस पर टमाटर का ऐड करेंगी, जो तकरीबन 2 मीडियम, मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए, क्योंकि ये भी सब्जी के तौर पर, आपको पता टमाटर है इसको सब्जी के तौर पर या लोग फ्रूट भी कहते हैं इसे आप इस्तेमाल। अब इस पॉइंट में भी आप इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे तकरीबन 3 मिनट। अच्छा देखिए, मैं तेज़ आंच में 3 मिनट तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको तेज़ आंच में भूना है। अब हम इसमें आलू और इसका शिमला मिर्च और हरे प्याज का जो हिस्सा था वो एंड में शामिल करेंगे, लेकिन आलू मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं आलू को हल्के से फ्राई करूँगी। तो चले पहले हम आलू को फ्राई करते हैं। मैंने दूसरी सब्जी को तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच में भून के इसको 2 मिनट के हल्के आँच पर रखा, तब तक हम लोग आलू फ्राई कर लेते हैं। आलू को भी आप तेज़ आंच पर फ्राई करें ताकि इसको गलने में ईजी हो। असल में हमारे यहाँ आलू गलने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इस वजह से मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। मैंने आलू को फ्राई कर दिया है। अच्छा, मैंने इसे कंप्लीट डन नहीं किया, मैंने तेज़ आंच पे तकरीबन जब तक आलू इतने फ्राई हुए आप ये देखा हाफ डन किया आलू फ्राई किए, मैंने सब्जियों को हल्की आंच में रखा था। अच्छा, इस पॉइंट पे जब आप मेरे 2 से 3 मिनट 4 मिनट इसको तेज़ आंच में भूना, इसमें हम क्या करेंगे पॉइंट में, ये मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 1 क्यूब है चिकन स्टॉक का या चिकन क्यूब समझ लें, इसका मैंने आधा हिस्सा आधा यानी टुकड़ा इसमें डालूंगी इस पॉइंट पर, इसको 2 मिनट के तेज़ आँच में भूनेंगे।
मेरी चिकन के क्यूब डाल के ना 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर रखा, जब तक मैं आपको ही बता दूं, जब हम दम देंगे सब्जी को तो इसमें ये चंद गरम मसाले हैं जो मैं इसको पीसूंगी, इसके बाद इसमें ऊपर दम में हल्का सा छिड़काव करेंगे, ये सब नहीं डालेंगे बस पीसेंगे ज़्यादा, कि ब्लेंडर में आपको पता है ज़्यादा डाले कम डाले तो पिसता नहीं है। ये तकरीबन 1.5 ये साबित धनिया है, 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच धनिया है, इसके लिए शाह जीरा या ब्लैक जीरा, जो ब्लैक जीरा जो आपको काला जीरा मिल जाए या शाह जीरा मिल जाए ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये सफ़ेद जीरा है जो 1 टीस्पून है, ये बड़ी इलायची का एक टुकड़ा है, ये 3-4 दाने लौंग है, ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च साबित काली मिर्च लिया है, और ये 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े हाफ इंच के टुकड़े आप देख लें ये मेरे लिए है, इसके अलावा दालचीनी के, और ये 3 टुकड़े मैंने छोटी इलायची के लिए, और इसमें जो सबसे ज़रूरी जाएगा ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके ब्लेंडर में डाल के इसे पीसेंगे, तो चलिए हम इसे पीसते हैं। हम इसे पीसते हैं। ये देखा हमने तमाम गरम मसाले जो आपको मैंने दिखाए थे सब एक साथ पीस लिए, इसकी खुशबू ऐसी आ रही है जो बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन जब आप पीसेंगे तो आपको फील होगा कि इसकी खुशबू कैसी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने सब्जी को 2 मिनट के लिए हल्की आंच में रखा था, अब बकिया जो सब्जियां हैं हमारी हम इसे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च डालें, ये ग्रीन जो है वो बिल्कुल एंड में आप समझ लें डालना, कि अभी डालेंगे बिल्कुल इसमें मिल जाएगी, इसे स्टेज में मैं हरी मिर्चों के 3-4 दाने डालूँगी, और अपने आलू इसको 2 मिनट तेज़ आँच में भूनते हैं हम, और इसके बाद फिर हल्की आँच में रखेंगे। मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आप समझ लीजिए इसको भूना तेज़ आंच में, आलू डाल के शिमला मिर्च और 2-3 हरी मिर्चें डाल के प्लीज इसको भूना। अब इस पॉइंट पे जाके आप क्या करेंगे, जो मेरे मसाले आपको एक साथ दिखाए मैं 1 टीस्पून डाल दूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करें, जो आपको टेस्ट चाहिए जायका तो आप ज़्यादा डाले, मैंने 1 टीस्पून तक मैं ऐसा समझिए 1 टीस्पून के बराबर ही है, इसको डाल के इसको 1 चम्मच हिलाकर एक बार, इसके बाद ये बिल्कुल भून गई सब्ज़ी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर आप पानी डालें, और इसको मैं आपको इस पर एक ज़रूरी बात बता दूँ, मैं तकरीबन 5 मिनट इसको हल्की आंच में रखूँगी, लेकिन हर सिटी हर शहर हर जगह के सब्ज़ी गलने की अपनी एक टाइमिंग होती है, क्योंकि मैं रहने वाली मेरा मेकअप कराची का है, कराची में सब्ज़ी जल्दी गल जाती है, मैं पंजाब साइड जाती हूँ तो वहाँ भी किसी वक्त जल्दी गल जाती है और किसी वक्त थोड़ा टाइम लगाता है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग को फिक्स कर लीजिएगा कि आपकी सब्ज़ियाँ कितनी देर लगाएगी गलने में। तो इस स्टेज में इस पॉइंट में आप ये देखें मैंने इसको गरम मसाला भी डाल दिए, और ऊपर से जो हरा प्याज मैंने आपको दिखाया था वो भी डाल दें, और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, हरे प्याज का जो हिस्सा है ना ये हरा वाला इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसी पॉइंट में मैं जाके तकरीबन 5 मिनट हल्की आँच में इसको दम दूंगी। चले फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ। चले देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई बनके, मैंने आपको कहा था 5 मिनट्स के बाद आऊँगी, लेकिन मेरी जो सब्ज़ियाँ थी वो हड़ताल में चले गई थी, तो इसलिए मुझे 10 मिनट्स लगे हैं सब्ज़ियों को गलाने में। चले अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, मुझे तो अच्छी लग रही है, अब आपको पता नहीं अच्छी लगे या ना, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैंने अपनी सब्जियों को मिक्स सब्जी को डिश आउट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, मैं ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए अदरक जुलियन कटिंग और थोड़ा सा धनिया का इस्तेमाल किया है, धनिया कम इस वजह से डाली कि आपको मेरी प्यारी सब्ज़ी साफ साफ दिखे। मैं फिर आपको एक बार कह रही मैं चाहे खाना पकाऊँ कोई डिश बनाऊँ या मीठा, आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से घर पर खाने चाहे मीठे में हो या डिश हो कोई मेरी या मील कुछ भी मैं बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ, बाकी आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाजिम नहीं कि एक मसाला ना हो तो डिश नहीं बन सकती, लेकिन जो का दलिया है गंदम का दलिया के बारे में मैं एक बार फिर कहती चलूँ कि खानों में इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए और ढलती हुई उम्र जो हमारे घर में ज़यीफ़ है उनके लिए बेहतरीन है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन
दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आखिर में फिर मैं कहूँगी, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और एक छोटी सी बात, मजाक वो होता है जो बुरा ना लगे, किसी का दिल छलनी कर देना मजाक नहीं होता। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।